अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। शाह साहब से मिलके खुद देना है। जी, कोई जरूरी बात थी आपको? मशवरे के लिए बुलाया है तुम्हें। जी हुकुम। रहमा चाह रही है कि वो अब सैफ हाउस में रहे। मंतक है, अपनी शनाख्त चाहिए। मेरी बीवी है, ये शनाख्त कम है उसके लिए। जी, अपनी शादी डिस्क्लोज करो। क्या होगा इससे? शायद वो चाहती हैं कि आप उन्हें सबके सामने अपनी बीवी तस्लीम करें। कह तो ठीक रहे हो तुम। ठीक है, मैं फकंदा और खानदान के सामने फिर अनाउंस कर देता हूं कि भाई कर ली है दूसरी शादी। जी, लेकिन अगर उन्होंने जिद की तो? ये तो मसला है ना रहमा के, तो दिमाग में एक बात जो बैठ जाती है ना, फिर हटती नहीं है उससे वो। तो फिर आप शादी का ऐलान करके देखें, अगर वो मुतमईन होती हैं ठीक है, वरना सैफ हाउस तो जाएगी ना, वो बीवी है। जी, ये तुम्हारी अम्मी जान मानेंगी? जान इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास। साद मतलब तो बताओ, क्या करूं मैं फिर? देखिए, अगर वो सैफ हाउस में आके रहना चाहती हैं तो ठीक है, प्लीज आप अम्मी जान से कुछ मत छुपाएं। जितनी आप बातें छुपाएंगे उतने ज्यादा मसले खड़े होंगे। ठीक है, तुम घर जाओ और जाके फरखंदा से बात करो और समझाना कि रहमा जब घर में आएगी ना तो शोर शराबा ना करे। अरे भाई बात सुनो मेरी, अब समझ में आया है क्या होती है ये मोहब्बत। अब समझ में आया कि सिकंदर भाई ने तुम्हारी माँ की मोहब्बत में आके सब कुछ क्यों छोड़ दिया। वालदैन, पैसा, जायदाद, भाई, सब कुछ। क्योंकि जो मोहब्बत है ना, बड़ा बड़ा ताकतवर जज्बा है ये। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ रहमा से, नहीं रह सकता उसके बाहर। जान से बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो मान जाए। ना भी माने, ना माने, रहमा रहेगी अब सैफ हाउस में, तय। ख्वाहिश की है उसने और मैं रहमा की कोई ख्वाहिश टाल नहीं सकता। समझाना फरखंदा, हो गया फैसला।